गाइस, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ योर चैप्टर एग्रीकल्चर। कैसे हो आप सब? व्हाट्सअप, डू टेल मी इन द चैट बॉक्स। आई एम अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंस एट वेदांतु। होपिंग ऑल ऑफ योर बच्चे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइस, बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड। वी आर सो सो हैप्पी। वी आर अ फैमिली ऑफ 1 मिलियन नाउ। हाउ ऑसम इज दैट? And let's just keep those subscriptions coming. Let's keep subscribing to the channel and make this family grow bigger and bigger. And let's rock it together going on forward. Yeah, chalo. अब बात करते हैं आज सेशन में क्या क्या होने वाला है। सो अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हमारे दो क्रॉप्स के बारे में, दो मेजर क्रॉप्स के बारे में, राइस एंड वीट एंड देयर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद होगा तो हमने री रिवाइज सिलेबस के हिसाब से देखा था दैट वी हैव टू कवर फ्यू क्रॉप्स, जिनमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं, बट राइस एंड वीट आर स्टिल देयर एंड देयर आर पल्सेस एंड देयर फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो विच वी विल बी कवरिंग अप इन द गोइंग आई मीन लाइक इन द अदर सेशंस कमिंग अहेड। इस सेशन में राइस और वीट के बारे में, एज द अदर क्रॉप्स ऑल्सो दैट वी विल बी डूइंग, इसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल रिक्वायरमेंट्स, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो चलो शुरू करते हैं राइस से। सो बच्चों, राइस तो सबको पता है, चावल कौन नहीं खाता है, इंडिया का स्टेपल फूड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन एंड स्टेपल फूड जो कि आधा से ज्यादा पॉपुलेशन को इंडिया में फीड करता है। इनफैक्ट इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम दूसरी कंट्री है जो सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता होगा शायद कि जितना भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है उनमें से 1/3 इज ओनली राइस। इंडिया में 4000 तरह की राइस प्रोड्यूस होते हैं, 4000 वेराइटीज ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और ये ना इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करता है, इट कैन ग्रो एनीवेयर, बट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स। यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की। और इसीलिए आपने ये नोटिस भी किया होगा कि इन सारे रीजन्स में लोगों के खाने में ये ज्यादा शामिल होती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव दिस हैव राइस ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट्स अ पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रेगुलर मील। व्हाई? क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ये एक खारिफ क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और इन सारे रीजन्स में ग्रो करती है। अब बच्चों, अगर बात करें कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है इसकी, सॉइल की, और किस तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है, तो ये ना याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उससे हम लोग हर एक चीज को इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सब कुछ एक बार में याद हो जाए। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, राइस को, चावल को ना पानी से बहुत प्यार होता है, उसे बहुत सारा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए। सो राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब पानी ज्यादा चाहिए तो यानी कि ये वही होती होगी जहां बहुत रेनफॉल होता होगा, तो कितनी रेनफॉल की जरूरत होती होगी। सो इट नीड्स रेनफॉल समवेयर बिटवीन 150 to 200 सेंटीमीटर। तो जहां ज्यादा बारिश हो रही है वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर टेम्परेचर के टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो एवरेज समवेयर हमें 24 degrees, 25 degrees चाहिए होता है, और जो रेंज है टोटल वो 16 degrees Celsius से 32 degrees Celsius के बीच में वेरी करता है। लेकिन सिर्फ बारिश नहीं चाहिए होती ऐसे, इसे अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर अ बेटर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन एंड फॉर गुड ईल्ड। व्हाट आर दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्या ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स है इसकी? तो प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड ऑफकोर्स हैवी रेनफॉल और इरिगेशन सॉइल, अगर वेल इरिगेटेड सॉइल। सो बच्चा, अगर प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है ना तो उस सॉइल का प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। सो प्रॉपर इरिगेटेड सॉइल होनी चाहिए, फुल फैसिलिटी होनी चाहिए इरिगेशन के लिए। तो अब ये सारे कंडीशन हमें कहां मिलते हैं? तो अब इससे हम आते हैं एरिया के टर्म्स में कि कौन कौन से एरिया में ये पॉसिबल है। तो ज्यादा रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, प्रॉपर यू नो वेल ड्रेन सॉइल, ये हमें कहां मिलेगा? ये हमें मिलेगा हमारे फ्लड प्लेन्स में, रिवर वैलीज में, कोस्टल और डेल्टा प्लेन्स में। और इन सब जगह सॉइल कैसा होता है? इन सब जगह सॉइल होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल, थोड़ा क्ले स्ट्रक्चर होता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, एंड इट्स मोस्टली ब्लैक लावा सॉइल।
Also, guys, one more thing. Alluvial soil. It's not mentioned here, but you should also remember alluvial soil is also very good for rice. In fact, rice thrives on alluvial soil. बहुत अच्छा grow करता है और plains में anyways हमें alluvial soil मिलती है. इससे हमें एक और चीज याद रखना है क्योंकि हमने अभी अभी बोला है कि rice को बहुत ज्यादा पानी चाहिए. तो जो soil का जो texture है ना वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा पानी retain कर सके, क्योंकि अगर पानी retain करने वाला soil नहीं होगा तो वो वहां पानी present नहीं होगा और rice अच्छे तरीके से grow नहीं कर पाएगा. इसके साथ साथ soil में बहुत ज्यादा manure और fertilizer भी लगता है राइस के अच्छे यील्ड के लिए. अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की, किस किस तरीके से कल्टीवेट किया जा सकता है राइस को. तो इसके पांच मेथड्स हैं मेजरली: ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटेशन एंड जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड की. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? इट मींस टू स्प्रेड आउट, है ना. तो क्या स्प्रेड आउट करेंगे हम? सीड्स. सो बच्चा क्या होता है, सीड्स किस तरह से सो की जाती है? इट बेसिकली सिंपली इज स्प्रिंकल्ड अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस द सॉइल. ये जो है उन जगह पे खासकर ज्यादा किया जाता है जहां पे लेबर ना बहुत ज्यादा नहीं है, स्कार्स होता है थोड़ा, ठीक है, जहां लेबर की कमी होती है और सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है. तो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हल्के में लेकर के ऐसे कर दिया. ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, जो सीड यहां पे यूज होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से यील्ड भी बहुत अच्छा नहीं होता है. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, ये जो स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स है, दिस स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड, ये कब होता है? ये मॉनसून शुरू होने के तुरंत पहले किया जाता है, राइट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. व्हाई? ताकि बारिश होते ही, सीड्स सो होते ही उनको बारिश का पानी अच्छे से मिल जाए एंड दैट वुड हेल्प देम इन फास्टर ग्रोथ एंड बेटर ग्रोथ एज वेल, क्योंकि पानी तो चाहिए राइस को बहुत ज्यादा, है ना. उसके बाद है डिबलिंग. अब सबसे पहले समझते हैं इसको डिबलिंग क्यों कहते हैं. तो इसमें एक डिवाइस यूज होता है विच इज काइंड ऑफ पॉइंटेड एट वन एंड एंड इट इज यूज टू मेक होल्स, सिंपल होल्स इन द ग्राउंड. इस पॉइंटेड टूल को हम डिबलर कहते हैं. डिबलर से होल्स बनता है. अब देखते हैं ये टूल यूज क्यों होता है और डिबलिंग का मेथड क्या है. सो इस मेथड में ना हम सीड सो करते हैं फरोज में एट रेगुलर इंटरवल्स. इन रेगुलर इंटरवल्स कहाँ पे? तो उनमें सॉइल में होल बनाया जाता है, सिंपल होल बनाया जाता है और उसमें सीड सो किया जाता है. ये होल बनाया जाता है या तो खुद से या फिर डिबलर यूज करके, और इसलिए इस मेथड को कहते हैं डिबलिंग, ठीक है. ये बहुत ज्यादा लेबर कंज्यूम करता है और टाइम भी कंज्यूम करता है. इट इज वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव. बच्चों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, राइस ग्रो करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए ही होता है. ब्रॉडकास्टिंग में हाउएवर लेबर कम होने की वजह से वो मेथड यूज किया जाता है, बाकी अदरवाइज एनी वे इफ यू आर ग्रोइंग राइस आपको लेबर ज्यादा से ज्यादा चाहिए. विच ब्रिंग्स अस टू दिस थर्ड मेथड ऑफ कल्टिवेशन, दैट इज ड्रिलिंग. तो जैसे डिबलिंग में होल बना करके हम सो कर रहे थे, यहां पे क्या होता है, यहां पे भी सीड्स फरोज में सो किए जाते हैं लेकिन यहां पे ड्रिल यूज किया जाता है. और ये ड्रिल क्या होता है बच्चा? ये बैम्बू शाफ्ट से बना हुआ एक तरह का डिवाइस, टूल जैसे समझ लो, विच इज यूज, जो कि प्लॉ में बांध करके उसके थ्रू प्लांटेशन की जाती है. अब क्योंकि यहां पे एक प्रॉपर ड्रिल यूज हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से ये जो है सोइंग ऑफ सीड्स होती है. कोई भी चीज अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है तो वहां वेस्टेज कम होगा. तो यहां पे सीड्स की वेस्टेज जो है वो थोड़ी कम होती है. ये मेथड हमें मोस्टली पेनिनसुलर पार्ट में देखने को मिलता है, इंडिया के द पेनिनसुलर प्लेटो और वहां पे क्या क्या है, जैसे तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी. तो यहां पे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हम ड्रिलिंग मेथड का यूज देखते हैं. यहाँ पे सीड सो करने के पहले उनको अच्छे से पानी में भिगो दिया जाता है ताकि जब वो सो हो तो जल्दी से फटाफट जर्मिनेशन हो सके. बट जस्ट लाइक डिबलिंग, दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑफकोर्स लेबर तो लगेगा ही, ठीक है. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ कल्टिवेशन, ट्रांसप्लांटेशन. इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे. ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कोई चीज अगर कहीं पे ग्रो कर गई है उसको रीप्लांट करना उस जगह से दूसरी जगह पे. समथिंग इज देयर प्रेजेंट ऑलरेडी, इफ यू मूव दैट, इफ यू शिफ्ट दैट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, यू रीप्लांट इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, दैट इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. तो यहां पे भी एग्जैक्टली यही होता है. सीड्स को क्या करते हैं ना, 24 घंटे तक पानी में भिगोकर उसके बाद नर्सरी में ही वहां प्लांट कर दिया जाता है और 4 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है टिल द टाइम इट ग्रोज समवेयर अराउंड 15-20 सेंटीमीटर टॉल. फिर वहां से निकाल करके इनको डाला जाता है जमीन में. कैसी जमीन में? जो बहुत फर्टाइल हो, जहां प्रॉपर रेनफॉल हो, प्रॉपर सनशाइन हो
और ऑफ कोर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ लेबर हो, क्योंकि भाई दोबारा रीप्लांटेशन कर रहे हैं, लेबर तो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लोग चाहिए ही होंगे ये करने के लिए, करेक्ट? तो ये सारी चीजें जहां प्रेजेंट होती हैं वहां रीप्लांटेशन होता है, और वहां पे होती है ट्रांसप्लांटेशन मेथड ऑफ कल्टिवेशन यूज। अब ये कौन से एरिया में होता है? तो बच्चों ये ज्यादा ना हमें फ्लड प्लेन्स में और डेल्टाइक प्लेन्स में देखने को मिलता है। ऑफकोर्स इट नीड्स अ लॉट ऑफ लेबर, लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? एक तो ऑफकोर्स सीड जो है वो बहुत बर्बाद नहीं हो रही है, क्योंकि पहले ही सो कर दिया गया है, वहां पे प्लांटेशन हो गई है। अब वहां से जब ये दोबारा रीप्लांट होती है ना, तो क्या होता है, जो अच्छे हेल्दी प्लांट्स है वही रीप्लांट होते हैं, ठीक है? सो ओनली हेल्दी प्लांट्स आर सोन अगेन। एट द सेम टाइम जब वहां से रीप्लांटेशन हो रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड वीड्स थी, वीड प्लांट्स थी, वो रिमूव हो जाते हैं, एंड वेस्टेज होता है कम और यील्ड होती है हाई। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, जापानीज मेथड ऑफ कल्टिवेशन। ये जो है ना ट्रांसप्लांटेशन का ही भाई है, पर उसका थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। यहाँ पे जो सीड्स यूज होती है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और उनका नाम होता है जापोनिका सीड्स। जापोनिका सीड्स यूज करते हैं हम बिल्कुल प्रीवियस वाले तरीके से ही, उसको पहले पानी में सोक करके नर्सरी बेड में ही उसे प्लांट कर दिया जाता है, और फिर वहां से निकाल करके ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है विथ प्रॉपर यू नो फर्टिलाइजर एंड मैन्योरिंग, उन सब चीजों के साथ। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है हर एक प्लांटेशन के बीच में वो होती है ज्यादा, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फार्मर को प्रॉपर स्पेस मिलती है वीडिंग करने के लिए, फर्टिलाइजिंग करने के लिए, और हर एक प्लांट पे प्रॉपर मन्योर वगैरह डालकर हर एक प्लांटेशन का ज्यादा ध्यान रखने के लिए। अब क्योंकि हर एक प्लांट पे इंडिविजुअल अटेंशन ज्यादा जा रहा है फार्मर का, तो नेचुरली क्या होगी, यील्ड बहुत अच्छी होगी, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा अच्छी हार्वेस्ट होगी, क्योंकि मन्योर भी ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मेहनत भी मिल रही है, वीड्स वगैरह भी हट गई है, प्रॉपर आइडल कंडीशन में ये ग्रो करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इंश्योर्स 3 times हायर यील्ड देन रेगुलर देन दी अदर रेगुलर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। सो विद दिस वी आर डन विद कल्टीवेशन बच्चा। अब जब कल्टीवेशन हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो हार्वेस्टिंग कैसी होती है, हार्वेस्टिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन वगैरह नहीं लगती है, स्पेशली इंडिया में नॉर्मल जो है सिकल यूज करके काट देते हैं क्रॉप को, ठीक है? लेकिन इस हार्वेस्टिंग के पहले एक मेजर चीज जो है वो ये की जाती है कि प्रॉपर ड्रेन किया जाता है लैंड्स को, ठीक है, फील्ड्स को प्रॉपरली ड्रेन आउट कर दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे पानी के साथ हार्वेस्टिंग कैसे होगी, और राइस को तो बहुत सारा पानी लगता है, वहां हमेशा पानी प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट राइस फील्ड में ना आप हमेशा देखोगे सर्टन सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बेड। वो सब कुछ ड्रेन किया जाता है हार्वेस्ट के पहले। इनफैक्ट हार्वेस्ट जब कर दिया जाता है, क्रॉप्स को काट दिया जाता है, तो उसको 3-4 दिन तक खेत में ही छोड़ देते हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, वो वहां से चला जाए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, अब तो हार्वेस्टिंग हो गई, अब प्रोसेसिंग कैसे होती है? तो सबसे पहला प्रोसेसिंग होता है थ्रेशिंग एंड ट्रैम्पलिंग का, जो कि ब्लॉक के फीट के नीचे किया जाता है। द आइडिया इज टू रिमूव द सीड्स फ्रॉम द कर्नल्स। After that, winnowing is done. Winnowing क्या होता है बच्चा? So winnowing में ना grains को थोड़े height से हम लोग नीचे गिराते हैं against very strong wind. जब बहुत तेज हवा चल रही है और उसमें आप grains गिराओगे, तो जो husks है ना उनका weight बहुत light होता है, वो extra husks, unwanted husks, वो उड़ करके चला जाएगा, और जो हैवी ग्रेन्स है वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, और वो ही तो हमें चाहिए। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, अनवांटेड हस्क्स को बाय द हेल्प ऑफ विंड रिमूव करना। अगर नेचुरली विंड नहीं होती है ना, तो बड़े बड़े फैंस लगाए जाते हैं और उनके विंड के अगेंस्ट विनोइंग की जाती है। After that is followed the step of milling, जो कि अगेन इज मेजरली टू रिमूव द येलोइश हस्क, वो भी अनवांटेड होता है। पहले इसके लिए क्या करते थे ना, पहले ग्रेन्स को जो जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहले ग्रेन्स को बॉईल करते थे पानी में, और उसके बाद बहुत ज्यादा पेस्टल से उसे क्रश करते थे, कूटते थे, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता था, इसकी वजह से ना ग्रेन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता था, और बाद में जब वो मार्केट में जाता था, इट डिड नॉट यूज टू लुक वेरी नाइस। हम लोगों को तो दिखावे की जिंदगी जीने की आदत है, ह्यूमंस नेचर है ऐसा, है ना? तो अब इसकी वजह से क्योंकि ग्रेन्स छोटे छोटे छूट जाते थे, लोगों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढा, और अब ये जो पॉलिशिंग है वो की जाती है राइस को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। अब इस प्रोसेस को अब अलग तरीके से किया जाता है, जहां पर रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं यूज किए जाते, बहुत ज्यादा रबिंग की जाती है। इस रबिंग की वजह से क्या होता है, उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
हैंड पाउंडेड राइस हमेशा बेटर कंसिडर किया जाता है जो ट्रेडिशनल मेथड में यूज होता था और अब यूज नहीं होता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस कहां कहां इंडिया में ग्रो होता है। तो बच्चा लोअर एंड मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो के पार्ट में भी होता है, तमिलनाडु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स। मेजर स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में राइस प्रोड्यूस होता है आर वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड बिहार। इनफैक्ट यूपी का तो लार्जेस्ट एरिया जो है कल्टीवेशन के अंदर वो राइस कल्टीवेशन के अंदर जाता है और उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया के अंडर फॉल करते हैं। देन ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। इनफैक्ट उसका जो टोटल सोन एरिया है, जो टोटल एरिया है क्रॉप के अंदर, उसमें से 3/4 राइस के लिए यूज होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द टोटल राइस प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। आफ्टर दैट इट इज तमिलनाडु जो कि 9.32% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका 37% लैंड जो है कल्टिवेशन के अंडर दैट इज टेकन अंडर राइस कल्टिवेशन। कावेरी डेल्टा इज वेरी वेरी फर्टाइल एंड परफेक्ट फॉर राइस कल्टिवेशन और इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो। और क्या हुआ और कैसे ये अचीव हुआ है तमिलनाडु में, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत चेंजेस आए, द काइंड ऑफ सीड्स दैट स्टार्टेड बीइंग स्टार्टेड यूज, द काइंड्स ऑफ मेथड्स दैट वाज एडवाइज्ड एंड प्रोफेस्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड अस इन यूजिंग बेटर इरिगेशन मेथड्स एंड HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच हैज मेड द प्रोडक्शन ऑफ राइस गो वेरी वेरी हाई। इन सब चीजों की वजह से राइस का प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया है। इनफैक्ट 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर का यील्ड होता है तमिलनाडु में बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, इट प्रोड्यूसेस 3 क्रॉप्स इन अ ईयर एंड जो बाकी स्टेट्स है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेजर स्टेट्स, मेजर 7 स्टेट्स दैट वी डिस्कस्ड अंडर विच आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन इंडिया, और भी स्टेट्स है जहां पे राइस प्रोड्यूस होता है जो कि इतने क्वांटिटी में नहीं होता है बट डिसेंट अमाउंट इज डन, आर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला। Guys, don't forget that you can now learn SST in English with me on our very new channel, English 9th and Vedanta 9th and 10th English. If you have not subscribed to this channel already, please make sure that you go there and subscribe to the channel so that whenever we are coming up with new videos, you get the notification immediately. जो बच्चे हिंदी समझ पाते हैं बच्चा आप भी प्लीज जाकर के सब्सक्राइब करो बिकॉज वहां पे आपको और भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड राइस, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू वीट। तो वीट है हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है हमारे इंडियन पॉपुलेशन का। आप बिलीव नहीं करोगे यहां पे भी हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। 12% ऑफ द टोटल वीट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज इन अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिया आफ्टर चाइना। रशिया भी है कॉम्पिटिशन में बट हमसे थोड़ा पीछे रह गया है, ठीक है। इट इज अ रबी क्रॉप, एट द सेम टाइम इट हैज अ लॉट ऑफ यू नो न्यूट्रिशनल वैल्यूज, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है इसके। इसमें बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ऑल ऑफ विच इज वेरी वेरी गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। इट इज अ टेम्परेट क्रॉप और ये ना लेवल्ड प्लेन्स पे बहुत अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। सो बच्चा इसे भी ना बारिश चाहिए होती है लेकिन हाँ राइस जितनी बारिश नहीं चाहिए होती है उससे थोड़ी कम बारिश चाहिए होती है। तो कितनी होगी, 150 to 200 राइस की थी तो इसकी है 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस। नाउ ओके 50 to 100 सेंटीमीटर जहां पे बारिश है वहां थोड़ी ठंड तो होती होगी, अब ऑब्वियसली बहुत हॉट एंड ह्यूमिड नहीं होता होगा क्योंकि ये थोड़ा मॉडरेट रेनफॉल वाली जगह होगी। तो यहाँ वेदर कैसा होता होगा, थोड़ा कूल, थोड़ा सनी, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वीट नीड्स। सो इट नीड्स अ कूल क्लाइमेट विथ सम ब्राइट सनशाइन। जब ये सो किया जाता है, जब इसके सीड सो किए जाते हैं तब इसे चाहिए होती है बारिश और इसके प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, इसके राइपनिंग के लिए इसे चाहिए होती है ब्राइट सनशाइन। यानी कि इनिशियल टेम्परेचर इसे समवेयर बिटवीन 10 degrees to 15 degrees C चाहिए होता है एंड एज इट स्टार्ट्स टू राइपनिंग अप इट नीड्स टेम्परेचर समवेयर बिटवीन 20 degrees to 25 degrees Celsius। ओके, नाउ जहां पे नेचुरली रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है वहां हमें प्रॉपर इरिगेशन करने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू गिव इट इनफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स गुड प्रोडक्शन।
अब ये किस जगह होता है, तो मैंने आपको बताया प्लेन्स वाले रीजन में, यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे सोइल किस तरह का मिलता है बच्चा हमें, प्रॉपर ड्रेन, फर्टाइल, थोड़ा सा लोमी, एलुवियल सॉइल्स जो कि क्ले कॉम्पोजिशन के होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है इन सारे एरियाज में। तो दैट इज एग्जैक्टली वॉट वीट नीड्स इन टर्म्स ऑफ सॉइल। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट मेथड ऑफ कल्टिवेशन। तो भैया ये है एक राबी क्रॉप, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, हम एंड ऑफ नवंबर में इसे डालते हैं, सो करते हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ी बारिश होती है, विंटर मॉनसून आया होता है, और ये हार्वेस्ट होता है समवेयर अराउंड मार्च। तो फेब्रुअरी, मार्च, जनवरी के एंड के टुवर्ड्स इसे प्रॉपर सनशाइन भी मिल जाती है। हम इसकी सोइंग जो है रेनी सीजन में करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया शुरुआत में इसे बारिश की ज्यादा जरूरत होती है, बाद में तो वो मॉइस्चर वगैरह उतना नहीं चाहिए होता है, अर्ली स्टेजेस में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बाद में ये धूप के साथ प्रॉपर राइपनिंग इसकी हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रॉड व्हाट यू से मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की बच्चा, तो जैसे कि राइस में हमने देखा सिमिलर मेथड्स आर फॉलोड, बस ये जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन यहां देखने को नहीं मिलता है। तो जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन आर वेरी सिमिलर, तो आप बस ऐसा समझ लो ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, तो उसका इंप्रोवाइज वर्जन भी नहीं होता होगा। तो बाकी तीन मेथड क्या हो गए, ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सिमिलरली आपके सीड्स जो है स्प्रिंकल कर दिए जाएंगे उनको सो करने के लिए। डिबलिंग में वही होगा, डिबल यूज करके यू आर मेक होल्स एंड दैट्स वेयर यू सो द सीड्स, अदरवाइज आप ड्रिल के थ्रू उसको वहां पे सो करते हो। सेम मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन आर फॉलोड। इफ यू टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग, तो बिल्कुल रूट के पास से सिकल यूज कर करके क्रॉप को कट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे थ्रैश किया जाता है, या तो मशीन के थ्रू या फिर ब्लॉक के फीट के अंदर प्रॉपर थ्रैशिंग होती है, ताकि कर्नल्स जो है वो सीड से अलग हो जाए। देन ऑफ कोर्स वी नीड टू सेपरेट द अनवांटेड हस्क, व्हिच इज डन विद द मेथड ऑफ विनोइंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड्स, या फिर सिफ्टिंग की जाती है वाया कंबाइंस। कंबाइंस यूज करके हम सिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स की पॉलिशिंग होगी, मिलिंग यहां पे भी होती है, एंड देन ग्रेन्स आर इंट्रोड्यूस इन अ वेल वेंटिलेटेड फर्म स्ट्रक्चर्स। उसके बाद मिलिंग यहां पे लास्ट प्रोसेस बन जाती है, जो कि रोलर प्रोसेस के थ्रू की जाती है, ठीक है। ये जो सिकल है बच्चा, वो अब धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है, जो इनिशियली प्लांट्स को कट करने के लिए यूज करते हैं, इनकी जगह अब मशीन यूज की जा रही है इन द एरियाज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट की, कहां कहां देखने को मिलता है हमें। तो उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, विच अकाउंट्स ऑफ 34% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द इंटायर कंट्री। उसके अलावा आपको मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में भी बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और ये ना वीट जो है उसकी प्रोडक्शन कब बढ़ गई, तो 1960s के पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे वीट, राइस भी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन हम बस इतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना हमारे यूज के लिए सफिशियंट था, इट वॉज एनफ टू फीड ourselves। आफ्टर दैट, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इट टुक अ ग्रेट टर्न, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन अबंडेंस, ताकि अब हम उसे सेल भी कर सके। अब वो सेल्फ यूज के ऊपर अब वो कमर्शियल और मार्केटिंग पर्पस के लिए भी हमारे पास इनफ प्रोडक्शन होने लग गया है। इनफैक्ट पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश अलोन प्रोड्यूस सो मच ऑफ क्रॉप्स टूगेदर कि वो एक फूड स्टोर की तरह काम करता है, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रैनरी ऑफ इंडिया। एंड विद दिस वी हैव कम टू टूडेज सेशंस एंड, ठीक है। आज का टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है, लेट्स क्विकली लुक एट द होमवर्क क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट फॉर यू। So guys, we know that you have faced a lot of problems, right? You face a lot of problems even now. You're not sure how to, I mean like everyone has questions. अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपके दिमाग में 50 सवाल आ गए होंगे, बट आप कैसे क्लियर करोगे? सारी चीजें कमेंट बॉक्स में क्लियर करना आसान नहीं हो पाता है, या फिर आपको वेट करना होगा अगले सेशन का या लाइव सेशन का। तो डाउट्स हमेशा रहती हैं, आप किससे पूछोगे ये समझ नहीं आता है, हर एक इंसान आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाता है। देन वॉट नोट्स शुड यू रेफर, नोट्स कैसे बनाना है, क्या नोट्स रेफर करने, कौन सा एक्स्ट्रा बुक रेफर करना है, ये सब बहुत परप्लेक्सिंग हो जाते हैं। और अभी तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है, इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अस, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर दैट वी आर रेफरिंग टू द करेक्ट नोट्स, विच इज वेरी रेलिवेंट, क्रिस्प एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अस, मेकिंग आवर वर्क मोर एफिशियंट एंड इफेक्टिव, है ना।
और उसके बाद ऑफ कोर्स कहां से इनफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स मिलेंगी कि प्री बोर्ड के पहले प्रिपरेशन हो जाए, फिर प्री बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाए, फिर बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाए, देन कहां पे हमें होगा प्रॉपर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने का मौका कहां मिलेगा, क्या शेड्यूल फॉलो करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट को कीटर करना है। कई बार हम जो शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं वो क्लासेस की शेड्यूल नहीं होते, हमारा मिसमैच हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड देन ऑफ कोर्स चॉइस ऑफ लैंग्वेज, कई सारे लोग चाहते हैं ये सारा कॉन्टेंट आपको इंग्लिश में मिले, कई सारे लोग चाहते हैं कोई दूसरा लैंग्वेज में मिले, हिंदी में मिले, तो ये सारी चॉइसेस कैसे मिलेंगी बच्चों को, तो ये सारी प्रॉब्लम हमने सोचा बच्चों के लिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं, भैया बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देंगे, यही सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। सो वी हैव कम विद अ सुपर सुपर सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ बोनसेस। चिल्ड्रन आपको मिलेंगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस जो है वो लाइव ही होंगी, जहां पे आपको मिलेगा बहुत सारा पर्सनलाइज अटेंशन। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, इन क्लास इन दैट मोमेंट यू कैन इमीडिएटली आस्क एंड क्लैरिफाई, एंड देयर वुड बी क्लास टीचर्स एंड मास्टर टीचर टू हेल्प यू आउट राइट देन एंड देयर। बहुत सारी क्विजेस होंगी एंड इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, ताकि आपको तुरंत पता चले कि आप कहां स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहां जा रही है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड एनी सेशन, यू विल ऑलवेज हैव एक्सेस टू ऑल द माइक्रो सेशंस एंड ऑल द क्रैश कोर्सेस, ताकि आप फटाफट से कवर अप कर दो जो भी आपने मिस किया है। और ये सब कहां मिलेगा आपको, इसके लिए आपको बस क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है वहां जाना है, या फिर ये लिंक आपको चैट्स में पिन भी दिखेगा, इनमें से किसी भी जगह जाकर उस लिंक पे क्लिक करना है और बन जाना है मेंबर ऑफ द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। ऑल यू नीड टू डू आफ्टर गोइंग ऑन दिस लिंक इज बच्चा चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड, देन चेक आउट ऑल द डिटेल्स। इफ यू फील अगना मैम ने जो भी बताया वो डिटेल्स इनफ नहीं है, यहां जाइए आराम से निश्चिंता से सब कुछ डिटेल में पढ़िए, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, आफ्टर विच यू विल गेट 3 ऑप्शन ऑफ 1 month, 3 months एंड 6 months। आपको जो भी बेस्ट लगता है पैकेज आपके लिए, गो अहेड विद दैट। आपको लगता है आपको सिर्फ 1 महीना ट्राई करना है, यू आर नॉट वेरी श्योर, गो अहेड विद दैट। आपको लगता है आप बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम्स तक हमारे साथ रहना चाहते हो, एक एक दिन हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, एंड यू वांट टू रॉक द बोर्ड एग्जाम्स, तो 6 महीने का ले लो। आपको सिर्फ 3 महीने के असिस्टेंस चाहिए तो 3 महीने का ले लो। जितना बड़ा पैकेज लोगे उतना बड़ा धमाका होगा, क्योंकि उतना ज्यादा मिलेगा हमें डिस्काउंट। 11,499 का पैकेज इज नाउ अवेलेबल ओनली फॉर 9,199 रुपीज, 20% डिस्काउंट। कैन यू इमेजिन कैसे मिलेगा ये डिस्काउंट? तो बच्चों को सिर्फ इस लिंक पे जाके ये सारा स्टेप फॉलो करके वहां पे लगा देना है एक कूपन कोड, जो कि है अंकना मैम का कोड। कोड क्या है बच्चा? ANKPRO। आपको बस ये कोड वहां पे लगाना है टू अवेल दैट अमेजिंग डिस्काउंट। बच्चा रिमेंबर, इफ यू डू नॉट यूज दिस कोड यू वोंट बी एबल टू अवेल एनी डिस्काउंट। वॉट एवर यू आर सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग, मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड सो दैट यू आर एबल टू अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द होमवर्क क्वेश्चन। इन विच मेथड ऑफ कल्टिवेशन सीड्स आर ड्रॉप्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द फरोज मेड बाय द फार्मर्स? ड्रिलिंग मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड, डिबलिंग मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड? गाइस मेक श्योर यू आर पुटिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, नॉट जस्ट इन द लाइव चैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल एंड यू डिड अंडरस्टैंड द चैप्टर। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब चैनल। क्यों? क्योंकि अभी आने वाला है एग्रीकल्चर 3, अभी आने वाले हैं डाउट एंड मेंटी सेशंस। ये सारे सेशंस जैसे आएंगे बच्चों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट स्मॉल बेल आइकन दैट यू सी ओवर देयर। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, हाउ डिड यू लाइक द सेशन? एंड ऑल्सो बच्चा पार्टी, मेक श्योर आप अपने सारे डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में डाल रहे हो, क्योंकि हम आपके डाउट्स डाउट और मेंटी सेशन के लिए वहीं से पिक करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू आस्क क्वेश्चंस इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। पीपल टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बच्चा हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।